इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 12 नवंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1930 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसमें भारतीय और ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। देश दुनिया के इतिहास में 12 नवंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1847 में ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का निधन आज ही के दिन 1861 में हुआ था। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सालिम अली का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था। आज ही के दिन 1925 में अमेरिका और इटली ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1930 में आज ही के दिन लंदन में पहली बार गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था। भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म आज ही के दिन 1940 में हुआ था। आज ही के दिन 1953 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1956 में आज ही के दिन मोरक्को, सूडान और ट्यूनिशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। आज ही के दिन 1963 में जापान में ट्रेन दुर्घटना में 164 लोगों की जान चली गई थी। 1969 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। आज ही के दिन 1974 में दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा से निलंबित हुआ था। 1984 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने 1 पाउंड का नोट बंद कर सिक्के को चालू किया था। आज ही के दिन 1990 में जापान में सम्राट अकिहितो का परंपरा अनुसार राज्याभिषेक किया गया था। 2001 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 260 यात्रियों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की थी। 2005 में आज ही के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 13वां दक्षेश शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। 2008 में आज ही के दिन देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 चंद्रमा की अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ था। आज ही के दिन 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था। 2015 में आज ही के दिन लेबनान में हुए आत्मघाती हमले में 43 लोगों की जान चली गई थी। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।